मोहन भागवत का कहना कि सेना को महीनों लगता है तैयारी के लिए, आरएसएस वाले तो 3 दिन में तैयार कर देगा सेना। ये तो सेना को नीचा दिखाने की बात है महोदय। ये आर्टिकल हम देखे, इसमें मोहन भागवत जी का बयान आता, आर्मी टेक्स मंथ्स, आरएसएस कैन प्रिपेयर अ फोर्स विद इन 3 डेज। यानी ये कह रहे कि आर्मी को बॉर्डर पे लड़ाई के लिए, टू फाइट ऑन बॉर्डर, ये सामने आर्टिकल है महोदय। ये एक मिनट, ये सेना का अपमान है महोदय। मतलब ये अध्यक्ष महोदय, मोहन भागवत का कहना कि सेना को महीनों लगता है तैयारी के लिए, आरएसएस वाले तो 3 दिन में तैयार कर देगा सेना, ये तो सेना को नीचा दिखाने की बात है महोदय। ये सामने महोदय आर्टिकल है। अब इस पे इनका क्या कहना है, मांगिए मोहन भागवत जी से माफी। ये तो सामने, और ऐसे संस्था रही, और ऐसे सैकड़ों राष्ट्रीय स्तर पर जो ऐसे सैकड़ों आप भी ले जाने का कांग्रेस के लोगों ने किया। कहां से ये बात, कौन सेना का अपमान कर सकता है? स्तर पर परेड होता है, उसमें भी संघ के लोग गए कांग्रेस के नेतृत्व में, ये जानना चाहते जी का बोला हुआ है तो ये स्टेटमेंट है, देखिए ना, आप सर्च कीजिए ना। तो आप मान रहे मोहन भागवत जी गलत बोले हैं? अरे मोहन भागवत गलत बोले हैं? नहीं, अरे ये गलत नहीं है, वो सदन के ये गलत नहीं है, तो गलत है। मुख्यमंत्री जी वो सदन के सदस्य नहीं है। अरे देखिए, आप आपके तो कर्ता धर्ता वही है ना, आपके कर्ता धर्ता वही है, सदन के सदस्य नहीं है, आपके तो सब कुछ है। वो बोलेंगे इधर चलो तो आप चलेंगे उधर, सहयोगी संस्था हो सकता है, नेता विरोधी पक्ष मान्य। अच्छा, आरएसएस मतलब बेहतर है सेना से? आपका कहने का मतलब है कि आरएसएस बेहतर है? क्या बकवास बात है, अरे हम देश के, आप अपमान कर रहे हैं, आप समर्थन कर रहे हैं, आप सेना का अपमान कर रहे हैं, आप मोहन भागवत के स्टेटमेंट का समर्थन कर रहे हैं, तो आप भी सेना का अपमान कर रहे हैं, देश के लिए मर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय जी जी, हम अभी नेता प्रतिपक्ष को काफी देर से सुन रहे थे, बोल रहे थे, जब नीतीश जी आपके साथ थे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो आपको हरिश्चंद्र नजर आते थे। आपके पास ये कौन सा नया टेक्नोलॉजी आएगा कि जिस दिन हटे उस दिन से जो है सरकार जो है भ्रष्टाचारी नजर आ? दूसरी बात, अरे सुनिए ना, सुनिए क्या कह रहे हैं, सुनिए, बैठिए, सुन लीजिए, आप बैठिए, बात तो सुनिए, नेता विरोधी दल, अरे आप तो रोकिए, आप रोकिए, आप बैठिए, शराब कीजिए, आप लोग भी अपना स्थान ग्रहण करें, बोले भी नहीं, माननीय सदस्य सत्ता पक्ष आप भी अपना स्थान ग्रहण करें, माननीय विरोधी पक्ष आप भी अपना स्थान ग्रहण करें, तो धैर्य रखिए, मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाहते हैं इसको आप सुनिए, और माननीय नेता विरोधी दल, अध्यक्ष महोदय अभी एक मिनट रुक जाइए, माननीय नेता विरोधी दल, बेहतर होगा कि आप आज ही अपना भाषण पूरा कर लें, उस अवधि तक सदन की अवधि विस्तारित की जाती है। महोदय कल बैठिए ना, मैंने कहा कि बोल लीजिए, आप आसन निरपेक्ष भाव से जब कल की आपने घोषणा कर दिया, कल होगा, मैं कह रहा हूं कि अगर चाहें तो आज ही आप बोल लीजिए, हमारे कई विधायक जा चुके हैं, अब कल बोलेंगे, 5 बजे आप तो बैठिए, ये कौन तरीका है, बैठिए, कल बोलेंगे, बैठिए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, नहीं, अरे नहीं बोलवाने, वो खड़े हुए थे, मैंने बैठाया था, नहीं नहीं मैंने वो खड़े थे, मैंने उनके बाद आप बोलिए ना, अरे अब नहीं, क्यों नहीं, आपको समय दिया गया, आप बोलिए। अध्यक्ष, अब हम खड़े हो गए, क्या बोलेंगे, कहाँ से बोलेंगे, अभी बोल रहे थे, चिट भी मेरी, नहीं आप तो बहुत जानकारी मांग रहे हैं, जो उनके पास जानकारी नहीं है तो क्या करें, वो दिक्कत में है। अभी अरे सुन लीजिए, अध्यक्ष महोदय, अभी नेता प्रतिपक्ष जो है बोल रहे थे कि अगर पूर्व में कोई गड़बड़ी किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो कार्रवाई कीजिए, वरना पूर्व में जितने मंत्री थे वो निर्दोष है, सच्चे हैं,
आपकी भी तो सरकार आई थी जब हम विपक्ष में थे, आपको किस लिए बोल करके आप लोगों ने बदनाम किया था रे भाई? कौन सा घोटाला निकाला बिहार सरकार में आपने मेरे खिलाफ या हमारे किसी भी मंत्री के खिलाफ? यानी आप हम लोगों को निर्दोष मान रहे हैं? अरे बताइए ना भाई, अरे नहीं बात बताओ, आप ही के बात के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, महोदय अब आप बैठिए, बोलना चाहते हैं महोदय? मैंने इनके प्रश्नों का जवाब कल देंगे, कहा कि आप बोलिए, इनके माननीय नेता प्रश्नों का जवाब कल दें, बोलूँ ना तो इनको मैंने कहा कि आप बोलिए। मैं कह रहा हूँ महोदय कि इनके प्रश्नों का जवाब कल देंगे और एक एक प्रश्न का जवाब देंगे, आपके एक एक प्रश्न का जवाब देंगे कल, आज 5 बजे लिखवा के लाइए, लिखवा के नहीं, लिखवा के लाइए। आप तर्क करिए, आप हजारों करोड़ के मालिक कैसे बने, इसका जवाब दीजिए। दिल्ली से हजारों करोड़ के मालिक कैसे बने? वीडियो को शेयर कर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।